वरोरा तहसील में वर्धा नदी के करंजी तुलाना मारडा सोइड गांव में रेत माफियों ने तांडव मचा रखा है। वरोरा की ओर से तेज गति से रेत ढोने वाले वाहन दौड़ते हैं तो नागरिकों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। मार्केट परिसर से धूल उड़ाते हुए वाहन वास्तव में क्या संदेश दे रहे हैं, इसकी चर्चा आम नागरिकों के बीच चल रही है। वर्धा नदी तल से बड़ी मात्रा में रेत आ रही है, रेत तस्करी कई सवालिया निशान खड़े कर रही है। देर रात रेत के बड़े ट्रक तेजी गति से वरोरा के बाजार में दिखाई दे रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि रेत माफियों को डर नहीं रहा, जिससे तो ऐसा लग रहा है कि अब रेत तस्करों ने प्रशासन को अपनी जेब में रख लिया हो। पुलिस समेत राजस्व प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों की नाक के नीचे से यह सब हो रहा है। वास्तव में क्या चल रहा है, यह सवाल अब नागरिक उठा रहे हैं। वर्धा नदी क्षेत्र से रेत का अवैध परिवहन कुछ 5-10 हजार नहीं बल्कि लाखों रुपयों का है, लेकिन राजस्व प्रशासन या पुलिस प्रशासन को साफ तौर पर इसे नजरअंदाज करते हुए देखा जा रहा है। रेत माफियों से बकाया वसूलने वाला सिपाही कौन है, रेत माफिया से हफ्ता किस किस को मिलता है, उन्होंने किसकी जेब गर्म की है, कार्रवाई के पहले ही रेत माफिया को कौन टिप देता है, जगह जगह लोकेशन देने वाले एजेंट कौन है, राजस्व और पुलिस प्रशासन की गाड़ियां कार्यालय से बाहर निकली तो उनका पीछा करने वाला एजेंट कौन है, इसकी जाँच वरिष्ठ अधिकारियों से कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भी उतना ही सच है कि कहीं ना कहीं घोटाला जरूर हो रहा है। राजस्व या पुलिस प्रशासन एक दो कर्मचारी भेजकर क्या रेत तस्करों को रोक सकते हैं, ऐसा सवाल उठ रहा है। संभवतः पुलिस एवं राजस्व प्रशासन एक साथ काम करते नजर नहीं आ रहा है, या फिर दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। एक साथ कई कर्मचारी यदि कार्रवाई करते हैं तो बेशक रेत माफियों पर लगाम लगाई जा सकती है, उन पर कार्रवाई भी कठोर हो सकती है, लेकिन तेरी भी चुप और मेरी भी चुप वाली वर्तमान स्थिति दिख रही है। वही इस तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नजर नहीं आ रहा है। एक आध बार कार्रवाई कर अपनी पीठ थपथपाने के लिए दोनों विभाग लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से जोरों से चल रहे रेत तस्करी को देखते हुए लग रहा है कि वे फुल कॉन्फिडेंस से अपना काला धंधा चला रहे हैं, उन्हें किसी का खौफ नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे रेत माफियों की ऊपर तक लिंक होने से यह सब होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए आला अधिकारियों को इसकी जांच करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसकी जांच नहीं की गई तो आला अधिकारी भी संदेह के दायरे में आ सकते हैं। महाराष्ट्र TV24 के लिए सादिक थैम वरोरा।